हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर वन साइंस का, क्लास एट्थ का, और इसको हम समझेंगे बहुत आसान शब्दों में। तो जैसे कि हमें पता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको फूड की ज़रूरत होती है। लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब ये हुआ जीव जंतु, जो भी इस संसार में जीव हैं, जिनके अंदर सांस है, जो सांस लेते हैं, जो जी रहे हैं, वो हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। चाहे वो इंसान भी हो सकते हैं, कीड़ा भी हो सकता है, पेड़ भी हो सकता है, और कोई एनिमल भी हो सकता है, बैक्टीरिया भी हो सकता है, क्योंकि वो जो बैक्टीरिया है, जो इंसान है, जो पेड़ है, वो सब क्या है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और इन सब को फूड की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो प्लांट्स हैं, अगर हम इनकी बात करें, तो प्लांट्स कैसे अपना खाना बनाते हैं? जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, और हमें पता है, हमने ये बहुत पहले पिछली क्लासेस में पढ़ा है कि जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं सनलाइट, और जो CO2 होता है एटमॉस्फेयर में वो, और जो जड़ों में पानी डालते हैं वो, तो H2O और CO2 के कारण हम जो प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस को पूरा करते हैं और अपना खाना खुद बनाते हैं। लेकिन अब बात ये करते हैं कि जो एनिमल्स हैं या फिर ह्यूमन बीइंग्स हैं वो अपना खाना कैसे बनाते हैं, क्योंकि वो तो अपना खाना नहीं बनाते, क्योंकि हमें जो खाना मिलता है वो कहाँ से मिलता है? या तो हम किसी एनिमल पर डिपेंड हैं या तो हम किसी प्लांट पर डिपेंड हैं। लाइक इफ़ यू टॉक अबाउट कि हमारे यहाँ सब्ज़ी आती है, तो सब्ज़ी कहाँ से आ रही है? प्लांट प्रोड्यूस कर रहा है, तो वही चीज़ हम जो सब्ज़ी वो प्लांट ने ऑलरेडी प्रोड्यूस कर दी है, बना दी है, हम उसी को यूज़ करके अपना खाना बनाते हैं। पर हम अपना खाना खुद नहीं बनाते, हम किस पे निर्भर हैं? प्लांट्स पे निर्भर हैं। अगर प्लांट्स हमें चीज़ें बना के नहीं देंगे तो हम अपना खाना नहीं खा पाएंगे। तो इनडायरेक्टली जो एनिमल्स हैं और जो ह्यूमन बीइंग्स हैं ये किस पे डिपेंड हैं? ये प्लांट पे डिपेंड्स हैं। जैसे कि ये देख रहे हैं कि कई लोग नॉनवेज भी खाते हैं और कई लोग वेज भी खाते हैं, तो दोनों चीज़ों पे डिपेंड हैं। जैसे एनिमल्स पे भी डिपेंड हैं हम और प्लांट्स पे भी डिपेंड हैं। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा एनर्जी देने वाली चीज़ें हैं, हम क्यों खाना खाते हैं? जैसे कि अगर बात आती है कि हम खाना खाते हैं, तो हम खाना क्यों खाते हैं? क्योंकि हम खाना जब खाते हैं तो हमारा जो खाना है वो एनर्जी के फॉर्म में हमें काम देता है। जैसे कि अगर आपको साइकिलिंग करनी है या फिर आपको कोई भी वॉक करना है या कोई भी ऐसा काम फिजिकल करना है या फिर मेंटल काम करना है जिसके लिए आपको एनर्जी की ज़रूरत है, सपोज़ आप बोल रहे हैं इस टाइम पर तो बोलने के लिए भी आपको एनर्जी की ज़रूरत है, तो उस एनर्जी के लिए व्हाट वी हैव टू डू इज़ हमें फूड खाने की ज़रूरत है, हमें खाना खाने की ज़रूरत है। दैट्स द रीज़न वी वांट टू ईट फूड, दैट्स द रीज़न हम खाना खाते हैं, क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए, और उस एनर्जी से हम डिफरेंट सोर्सेज में अपना जो एनर्जी है वो यूज़ करते हैं। अब बात की जाए हमारे इंडिया के या फिर पूरे वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन की, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है कि जो हमारे यहाँ खेती होती है वो बहुत रेगुलर होनी चाहिए। अगर खेती में ज़रा सा भी ध्यान नहीं दिया गया तो क्रॉप्स ख़राब हो सकते हैं। एक प्रॉपर मैनेजमेंट की ज़रूरत है कि कब पानी डालना है, कब उसकी कटिंग होनी है, और जब वो पक जाए धान तो उसको डिस्ट्रीब्यूट भी करना है। तो ये हमें बहुत ध्यान में रखने वाली चीज़ें होती हैं जो लोग एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ करते हैं। अब देखते हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस क्या हैं, क्या होता है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। तो जब हम एक सेम टाइप का प्लांट बोते हैं एक ही जगह पे, वो भी बहुत बड़े पैमाने पे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इस इमेज में, ये दूर तक जो खेत हैं पूरे ये वीट के हैं, गेहूं के खेत हैं ये पूरे। तो जो ये गेहूं के खेत हैं ये पूरे बड़े पैमाने पे एक ही जगह पर एक ही क्रॉप, कौन सा क्रॉप है? ये वीट क्रॉप है, गेहूं का है ये क्रॉप। तो एक ही जगह पे बहुत बड़े पैमाने पे जो प्लांट्स लगे होते हैं उसे हम बोलते हैं क्रॉप,
क्या बोलते हैं, क्रॉप बोलते हैं। जैसे कि अभी आप जो इमेज में देख रहे हैं ये कौन सा क्रॉप है, ये वीट है। इसे क्रॉप क्यों कहा गया है, क्योंकि ये एक तरीके का है। अब यहाँ पे इसके बगल कोई चने का तो नहीं लगा हुआ है, यहाँ ये दूर तक आपको जो दिख रहा है वो पूरा ही पूरा वीट है, पूरा का पूरा गेहूं है। इसीलिए इसे कहा गया है वीट क्रॉप, क्योंकि ये एक ही जगह पे एक ही टाइप का जो क्रॉप है, जो प्लांट है, वो लगाया गया है, तो उसे हम बोलते हैं क्रॉप। अब हम बात करते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्रॉप्स होते हैं, और वो जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्रॉप्स होते हैं वो एक ही सीज़न में नहीं होते, वो अलग अलग सीजन्स में होते हैं, और हर एक क्रॉप को अलग अलग टेम्परेचर चाहिए होता है, अलग अलग तरह अलग अलग पानी चाहिए होता है। जैसे कि किसी किसी क्रॉप को पानी की बहुत ज़रूरत पड़ती है और किसी किसी क्रॉप को बिल्कुल पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो ऐसे ही हो जाता है, और किसी किसी क्रॉप को थोड़ा सा पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे जो क्रॉप्स हैं वो सीजन्स के अकॉर्डिंग बटे हुए हैं, क्लाइमेटिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग बटे हुए हैं। तो हम देखते हैं कि अगर हमारी कंट्री में दो टाइप की क्रॉपिंग पैटर्न चलते हैं, वो एक क्रॉपिंग पैटर्न क्या चलता है, खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप्स। अब खरीफ क्रॉप्स क्या होते हैं, जैसे खरीफ क्रॉप जो होते हैं ना वो रेनी सीजन में हम बोते हैं, जब बारिश का टाइम होता है, जिन जिन क्रॉप्स में बहुत बारिश की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे लगता है कि यार इसमें पानी बहुत चाहिए, तो उन उन क्रॉप्स को हम बोलते हैं खरीफ क्रॉप्स। ठीक है, तो हम वही फसल बोएंगे जिसमें कि पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, क्योंकि वो बारिश तो आसमान से हो रही है, नेचुरल है, इसके लिए हमें कोई भी टाइप का पानी अपनी तरफ से लगाने की ज़रूरत नहीं है, ट्यूबवेल्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो जो बारिश है वो तो अपने आप हो रही है और पानी अपने आप खेतों में पहुँच जाता है। तो वो क्रॉप्स होते हैं हमारे खरीफ क्रॉप्स, जिन्हें हम रेनी सीजन में बोते हैं। अब ये बात आती है कि वो टाइम पीरियड क्या होता है, जिस टाइम पीरियड में हम ये क्रॉप्स बोते हैं वो होता है जून से लेके सितंबर तक। इस टाइम पे बारिश का टाइम शुरू हो जाता है, और इसी टाइम पे जो है ये जो रेनी सीजन होता है इंडिया में, तो जून से सितंबर के बीच में होता है, तो उसी टाइम के बीच में ये बोए जाते हैं, जिसमें कि अच्छा सा पानी मिल पाए और ये जो क्रॉप्स हैं वो ग्रो हो पाए। अब हम इनके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि ये कौन से क्रॉप्स होते हैं। जैसे कि पैडी, आप ये देख पा रहे हैं ये पैडी है, ये पैडी को बहुत पानी की रिक्वायरमेंट होती है, और ये एक टाइप का खरीफ क्रॉप है। आपने भुट्टा देखा होगा जो ये होता है, इसे बोलते हैं मेज। तो ये मेज जो ये भुट्टा है, ये भी हम आपने देखा होगा बारिश के टाइम पे ज़्यादा ये होता है। तो ये भुट्टा जो है ये मेज है, इसको ये भी खरीफ क्रॉप है। जो कॉटन है, देखिए कॉटन ऐसे होती है पेड़ में लगी हुई होती है, तो ये कॉटन का जो है ये भी एक खरीफ क्रॉप है। कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं खरीफ क्रॉप्स के, जैसे कि सोयाबीन। सोयाबीन जो आप खाते हो वो भी प्लांट से मिलती है, देखिए ऐसे फली के रूप में होती है, इसे छीलते हैं तो उसके अंदर बीन्स निकलती है। देन ये ग्राउंडनट्स है, मतलब कि मूंगफली, ये भी खरीफ क्रॉप है, इसको भी पानी की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पर ये देख पा रहे हैं इसकी जड़ों में ऐसे मूंगफली है, और ये ऐसे खेती होती है, ये पूरी मूंगफली की खेत है। तो ये आप देख पा रहे हो ये क्रॉप्स क्यों कहला रहे हैं, क्योंकि यहाँ सब मूंगफली ही उगाई गई है। ये पूरे लार्ज पैमाने पे जो लाइंस गई हैं ये पूरे मूंगफली के खेत की ही है। आप यहाँ भी देख पा रहे हो ये पूरी जो खेती है वो पैडी की ही है। तो इतना सा जो हिस्सा है, जो पूरा सेम क्रॉप बोया गया है, सेम क्रॉप इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो सेम टाइप का प्लांट है जो हम बहुत लार्ज पैमाने पे बोते हैं। और ये जो मेज़ है, इसकी भी देखिए यहाँ खेत होते हैं जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ मेज़ बोया जाता है, तो वो जो होते हैं वो क्या होते हैं, मेज़ क्रॉप्स। जैसे कि हमने क्रॉप्स पढ़ा, क्रॉप्स क्या होते हैं कि जो एक ही प्लांट जो लार्ज स्केल पे बोया जाए उसे हम बोलते हैं क्रॉप्स। अब हम रबी की बात करते हैं, रबी क्रॉप्स क्या होते हैं। ये जो क्रॉप्स होते हैं इनको हम विंटर सीजन में बोते हैं, और इनको हम अक्टूबर टू मार्च, ठीक है, अक्टूबर टू मार्च बोते हैं। तो अक्टूबर टू मार्च बोने का चक्कर ये है कि जब वो जो खेत होते हैं, जब हम अपना खरीफ क्रॉप बो देते हैं, तो वो
उस टाइम तक तो उनकी फसल तैयार हो जाती है, तो उसके बाद टाइम आता है जब लैंड खाली हो जाती है, तो उस पे हम क्या बोते हैं, विंटर के जो अब क्रॉप्स आने शुरू होते हैं वो बोते हैं। तो वो क्या हैं, रबी क्रॉप्स हैं। तो रबी क्रॉप्स जो होते हैं वो हम विंटर सीजन में बोते हैं, जो कि टाइम है अक्टूबर से लेके मार्च तक का। और उनके एग्जाम्पल्स हैं वीट, जैसे कि गेहूं, जो गेहूं हम खाते हैं, आटा खाते हैं हम, तो वो गेहूं से आता है। तो वो जो गेहूं है ये हम बोते हैं ठंडियों में अक्टूबर के टाइम पे। जो ग्राम है, आपने चने खाते होंगे, आप देखो चने ऐसे होते हैं, इसके अंदर जब छीलते हैं तो चना निकलता है, ठीक है। फिर आता है आपके और एग्जाम्पल्स, जैसे कि मैं बताती हूँ मस्टर्ड। मस्टर्ड आपको पता होगा, ये सरसों होता है, इसके सरसों का खेत होता है पूरा, इसके अंदर ऐसे ऐसे बीज होते हैं। ये वीट है, मतलब कि गेहूं है। ये मटर है, मटर जैसे कि जो मटर आपकी होती है, जो आप ठंडियों में खाते हो, तो वो इसीलिए ठंडियों में बोई जाती है, तो वो पी है। ये आपका ग्राम है, मतलब चना, चना इसमें बोया जाता है। और एक और लाइन सीड होता है, ये भी आपने देखा होगा, ये क्या बोलते हैं, फ्लैक्स सीड्स होता है। तो ये भी हमारा जो होता है रबी क्रॉप है। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे अभी नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच।